नमस्कार। नंबर वन, लाल मिर्च पाउडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींग का एक टुकड़ा डाल दें, लाल मिर्च खराब नहीं होगी। नंबर दो, चावलों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नमक डाल कर रखें, चावल अधिक समय तक सुरक्षित रहेंगे। नंबर तीन, लहसुन को ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर रखना चाहते हैं तो उसकी कलियों को छील कर साफ सुथरे डब्बे में बंद करके फ्रीज में रखें। ध्यान रहे लहसुन पानी में गीला न हो और न ही डिब्बे में नमी हो। नंबर आठ, हरे धनिए को 10-12 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। एयरटाइट बॉक्स में साफ कपड़ा बिछा कर हरा धनिया रख कर लपेट दें, कपड़ा सारी नमी सोख लेगा। 4-5 दिन बाद कपड़ा बदल लें, हरा धनिया ताज़ा ही रहेगा। नंबर पाँच, अक्सर मक्के की रोटी बनाते समय टूट जाती है, मक्के की रोटी टूटे नहीं, इसलिए मक्के के आटे को चावल के मांड में गूंथें, पानी से बिल्कुल भी नहीं। नंबर छः, सादा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आटा गूंथते वक्त उसमें एक उबला आलू मैश करके डालें, क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा। नंबर सात, प्याज भूनते समय उसमें शक्कर या चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला दें, इससे प्याज जल्दी भुन जाता है। नंबर आठ, चावल बनाते समय उबलते पानी में नींबू का रस मिला दें, इससे चावल खिले खिले और सफ़ेद और टेस्टी बनेंगे। नंबर नौ, अगर आप आटा फ्रीज में रखते हैं तो उसके ऊपर घी लगा कर रखें और फिर उसे ढककर फ्रीज में रख दें, आटा ताज़ा बना रहेगा। नंबर दस, कोई भी भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में मूंगफली पाउडर पीस कर भरें, खासतौर पर स्टफ्ड भिंडी बनाते समय उसमें सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। नंबर 11, सब्जी की ग्रेवी बनाते समय यदि उसमें खट्टा ज़्यादा हो गया है तो खट्टापन कम करने के लिए 1 टीस्पून शक्कर मिलाएं। नंबर 12, यदि आपके अधिक मीठा व तला भुना खाया है तो खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। नंबर 13, पानी के बोतल में खीरा व नींबू के स्लाइसेस डालकर डिटॉक्स वाटर को दिन भर पीते रहें, इससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, वजन कम करने में मदद मिलती है। नंबर 14, भोजन में लहसुन, लौंग, ओरिगेनो आदि का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 15, एसिडिटी की परेशानी हो तो पके हुए अनानास के जूस में भुनी हुई हींग, सेंधा, नमक और अदरक का रस मिलाकर रोज सुबह और शाम पीने से एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 16, गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। नंबर 17, बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत भी मजबूत होते हैं। नंबर 18, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा मिल भिगो कर रख दें, सुबह इस पानी को छान कर खाली पेट पिए। नंबर 19, दस्त की समस्या होने पर अनानास के पत्तों को कागाड़ा बनाकर इसमें छोटी हरड़ का चूर्ण मिलाकर पी लें। नंबर 20, 1-2 पके हुए अंजीर दूध में उबाल कर रात को सोने से पहले खाएं और ऊपर से दूध पी लें, इससे कब्ज में फायदा होता है। और या फिर अंजीर को रात को सोते समय पानी में डालकर रख दें, सुबह इसे अच्छी तरह से चबाकर खाएं और इसका पानी पी लें, कुछ ही दिनों में कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 21, यदि सर्दियों में बर्तन साफ करने के बाद हाथ में खुरदरे हो जाते हैं तो हाथों पर जैतून का तेल लगाने से हाथ नरम और मुलायम बने रहेंगे। नंबर 22, मूली के पत्तों का गाढ़ा बनाकर पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। नंबर 23, दस्त की समस्या होने पर दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन न करें। नंबर 24, खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की चर्बी धीरे धीरे पिघलने लगती है। नंबर 25, बाएं तरफ करवट लेकर सोने की आदत डालें, इससे दिल की बीमारी नहीं होती है। नंबर 26, खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन न करें, यह आपके अपने खाने को अच्छी तरह से पचने नहीं देती है। नंबर 27, जिनकी उम्र 40 की हो जाए उन्हें चुकंदर का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। नंबर 28, जो लोग मोटापे का शिकार रहते हैं ऐसे लोगों को चावल खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 29, मुंह की बदबू से परेशान हैं तो इसके लिए एक दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रख लें,
ऐसा करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 30, अगर आपको गैस की वजह से सिर दर्द हो रहा हो तो एक चम्मच लहसुन का रस पिएं, इससे आपके सिर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 31, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का सेवन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें और यह आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को पसंद जरूर लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। मैं इसी तरह से आपके लिए आसान से टिप्स लाती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट जरूर रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।